ख्वाहिशात थी उसने वो बयां की कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। नहीं, ये सोचते हैं ना कि लड़की मिलिया करने से मस्त हो जाती है, मकसद नहीं ये तो बिल्कुल पाने उसका से। नहीं, ये जैसे तुम्हारी ख्वाहिश कैसी है ऐसे। यार थोड़ा ख्याल करो यार, सिस्टर है हमारी यार। अरे कोई चुप कर जा तू, ये कजन, अब देखो तुम्हारा कजन और कजन कितना डिफरेंट है। सही, तुम क्या चाहते हो, तुम सामने वाली को ऐसे प्यार दो एक तरह करो, सही, इतने इतना चिपका दो, इतना ये करो वो करो, सही, ये बिल्कुल गलत कह रही थी। यहाँ ये पे इसकी पैसा क्यों ख्वाहिशात बयान करके दे। क्या होता है फिर? असल में क्या करना चाहिए? असल में क्या करना चाहिए, असल में करना ये चाहिए कि दोनों का माइंड, यानी तुम्हारा भी दिमाग और उसका भी दिमाग मिलता जुलता हो, तुम्हारी भी ख्वाहिश वही हो जो उसकी ख्वाहिशात हो। और हाँ ज्यादा ये याद रखना चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिश को पूरा ना करे, वो पहले तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करे और तुम उसकी ख्वाहिश को पूरा करो। अच्छा फिर ठीक है, अब तुम मुझे अंग्रेजी सिखा दो। नहीं, पहले तो मेरे को बताओ। जब तुम मुठ मारते हो सही, तो तुम्हारा ख्याल कहाँ कहाँ भटकता है, लड़की भी भटकता है, तुम कितनी देर में फारिग हो जाते हो मैक्सिमम। 15-20 दिन। सही नहीं, आजकल की जनरेशन है ना, 2 से 3 मिनट तो बहुत ज्यादा ले ली है, 15-20 सेकंड बाद जल्दी हो जाता हूँ। लेकिन ना वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्योर मर्द होगा ना, मर्द कहते हैं, पैसा तो वो मैक्सिमम 15 मिनट 10 मिनट ज्यादा से गोलियां खा ज्यादा, रहे ना मेरे घर से, गोलियां क्या खा के चला आते हैं। नहीं गोलियां नहीं, नेचुरली जो जो कभी भी हत्थी ना लगा तो, अच्छा हाँ वो 7 मिनट से। और जो सामने वाली होगी ना, वो दोनों आगे पीछे 2-3 सेकंड या मिनट का फर्क होगा, तुम तो फारिग होगी वो भी फारिग हो जाएगी वहीं की वहीं। जैसे कि अब तुम सेकंड में फारिग हो गए, उसको छोड़ दिया वो निकल ली। अब दूसरी बात ये कि तुम फारिग हो गए तो ये मत सोचना कि वो फारिग नहीं हुई, वो भी समझ में फारिग हो गई, लेकिन उसके निकलेगी नहीं तो नहीं वो जाहिर नहीं होगी, कब निकलेगी? क्योंकि बच्चेदानी जो होती है ना हाँ वो भरती जाती है भरती जाती है भरती जाती है। अगर वो वैसे फारिग नहीं होगी ना तो मंथली तो उसको फारिग होने की अच्छा। एक्स्ट्रा जो होता है ना न्यूटन का फल, वो ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा। आप कितने को ले चुके हो अभी तो? मैं तकरीबन 70-80 के ले चुकी हूँ। और अच्छा, हाँ ये मत सोचो, ये मत सोचना कभी भी, ये मत सोचना कि दर्द होगा सही या फट जाएगी या खून निकलेगा, ये चीजें उस अच्छा दौर ये चीजें उस दौरान होती है जब वो महावारी में हो। महावारी में तुम समझ लो कि किसी यंग लड़की को ले आए सी पैक, तुम सोच रहे हो कि इसको डालूंगा खून खराब होगा, ये तुम्हारी सोच है। ये तो महावारी थी, वो तो फट नहीं था, लेकिन वो कभी भी ऐसा जब नहीं पहली होता। दफा में करते हैं तो खून तो निकलता ही है ना? जब पहली दफा करते हैं तो खून तो निकलता ही है। खून बच्चे क्यों निकलता है, वो सील खुल जाती है ना साथ, फिर नहीं देखो क्या होता है? जो जो महावारी होती है ना उसका खून शायर पे लगा होता है ना, जो वो तुम जहर कर किसका लेते लड़के के बारे में महावारी है? ब्लेड आता है उसको, हाँ हाँ वो ब्लेड होता है, हाँ वो तुम फरवा देते हो, वो उसको उसको तुम जगा देते हो, समझ में आया, वो निकल आते हैं। हाँ अच्छा, तो डायरेक्ट हाँ फोन करता है। वो अगर निकल आए ना हाँ तो फिर तो तुम तो जाग के चले जाओ, इतना मोटा लड़ो इतने बड़े बड़े अंडे हो जाएंगे तुम्हारे। इस दौरान ना कभी भी यानी एक्स की शिकार बन जाओगे, समझे, तो और अगर पहले तो है ना फर्स्ट टाइम पानी ही निकलेगा, गीली होगी ना चिकना होगा पानी ही निकलेगा, किस नहीं चूत में से लड़की में? अच्छा, लड़के का भी तो निकलता? की जो होते ना पतली निकलते ड्रॉप, हाँ, और लड़के के नहीं। लड़की की निकली अंडे की गर्दी होती है ना,
हाँ स्काइप ही निकली बस। अच्छा पहली दफा में। हाँ पहली दफा वो जितनी दफा हो जब उसकी छूटने वाली होगी तो अच्छा हाँ जो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना पानी उसका तो वैसे ही निकल आएगा। अच्छा सुनाओ कि दोनों को वैसे है भी है ना हमारे से चलती फिरती कैसे। गीली होती रहती है लड़कियों की तो आप वो पहनती होंगे ना फिर। लती अली अली एक लतीफा सुनाओ आपको नहीं जरा मैं बाद में सुनाऊंगा, लतीफा बहुत है मेरे पास। प्यारा लतीफा सुन के पढ़ोगे तुम भी।